डियर स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 1। तो देखिए फ्रेंड, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि सेमेस्टर बीएड का सेमेस्टर थर्ड का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनका लेसन प्लान। तो आप अगर अपना लेसन प्लान अभी तक नहीं बनाए हैं तो इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको दिखाएंगे हम सॉल्व किया हुआ लेसन प्लान। सेमेस्टर थर्ड में जो लेसन प्लान आपको बनाना पड़ता है वो लेसन प्लान है, तो उसको दिखाएंगे। आप इसको देख के और लिख के और कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो पूरा सॉल्व किया हुआ है लेसन प्लान है, जिसका भी मेथड फर्स्ट मेथड यानी कि हिस्ट्री है वो इसको देख के और अपना बना के और कॉलेज में लिख सकते हैं। और पूरा आपका ये आपका इंग्लिश वर्सन में, अगर आप इनका बंगला वर्सन चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनका बंगला वर्सन भी हिस्ट्री का हम लाएंगे इसके बाद वाला वीडियो में। तो अभी इसका देखिए वीडियो बना रहे हैं, अभी 20 लेसन प्लान टोटल आपको दिखाएंगे इसमें बीएड का आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पर टोटल देखिए, यहाँ टोटल आपका 20 लेसन प्लान मेरे पास बनाया हुआ है। तो इसको अभी हम आपको पूरा सॉल्व या प्रैक्टिकम को दिखाएंगे, तो आप इसको देख के और लिख के और कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे इसको आपको देख के लिखना है तो आप लिख लीजिए, और इसका जो इंग्लिश वर्सन अभी दिखा रहे हैं इसका बंगला वर्सन भी आएगा। तो इसको पार्ट बाय पार्ट में हम आपको दिखाएंगे, एक पार्ट में 20-20 लेसन प्लान आपको दिखाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए हम इसको 3-4 पार्ट में दिखाएंगे। तो आज आपको हम फर्स्ट पार्ट दिखा रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका 3-4 पार्ट में आपको हम दिखाएंगे इसमें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं लेसन प्लान का। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है फ्रंट पेज है, यानी कि लेसन प्लान बनाने के बाद आपको एक फ्रंट पेज लगाना पड़ता है लेसन प्लान पे, जिसमें ये सारा चीज आपका मेंशन किया हुआ रहता है। अगर ये मेंशन नहीं करते हैं आप तो आपको पता नहीं चलेगा टीचर को कि कौन सा स्टूडेंट ये जो अपना लेसन प्लान है सबमिट किए हैं और कौन सा सब्जेक्ट का लेसन प्लान है, उनको पता नहीं चलेगा, इसीलिए फ्रंट पेज लगाना जरूरी है। तो देखिये फ्रंट पेज पे आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, तो देखिए फ्रंट पेज पे आपको क्या क्या लिखना पड़ता है। तो देखिए सबसे ऊपर में फ्रंट पेज पे यहाँ पे आप डिज़ाइन करके अपना कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, इस तरह से डिज़ाइन करके यहाँ अपना कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या है ये बीएड का है तो बीएड लिख दीजिए, और यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए। तो देखिए ये द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान का है, तो यहाँ पे आपका जो भी यूनिवर्सिटी है आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बर्धमान का है इसीलिए बर्धमान लिखा हुआ है। अगर आपका WBUTT है या फिर आप झारखंड से हो, बंगाल से हो, या फिर UP से हो, या फिर बिहार से हो, जहाँ से भी आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेमेस्टर थर्ड का है, ये सेमेस्टर थर्ड लिखिएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखने का, डेली लेसन प्लान ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का डेली लेसन प्लान है वो हिस्ट्री का डेली लेसन प्लान आपको लिख देना। उसके बाद नीचे आते हैं, देखिए यहाँ कॉलेज का अगर आपका कुछ फोटो वोटो है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे आपको क्या लिखना पड़ता है, सबसे जरूरी यही चीज़ है, यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा आपका, और यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ID नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपका यहाँ पर आप यानी कि यहाँ पर सेशन लिखना पड़ेगा आपका कौन सा सेशन है, तो वो सेशन आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपका ये लेसन प्लान का फ्रंट पेज बनाना पड़ता है। तो देखिए फ्रंट पेज बनाने अभी आप सीख गए हैं, अब चलते हैं आपका लेसन प्लान में, फर्स्ट लेसन प्लान क्या है। उसके बाद देखिए ये जो लेसन प्लान का आपका जो मेन टॉपिक है वो भी आपको यहाँ पे बना के लिखना पड़ता है, यानी कि सीरियल नंबर कितना में कौन सी है। तो देखिए सीरियल नंबर आपको देना है, टॉपिक लिखना है, और यहाँ पर क्लास लिखना है, डेट लिखना है, और यहाँ पर पेज नंबर लिखना है, यानी कि एक नंबर पेज नंबर में आप कौन सा बना क्या बना रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आप कौन सा क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं, किस डेट के लिए बनाए हैं, किस डेट में आपको पढ़ाना, तो ये डेट जो है आप कॉलेज द्वारा आपको दिया जाएगा, वो डेट आप वहाँ से देख के भरिएगा, ये सारा डेट आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो ये डेट कॉलेज द्वारा आपको दिया जाता है उसको देख के भरना, और यहाँ पे पेज नंबर लिखना है, यानी कि पेज नंबर जो पेज नंबर वो होता है कि अगर आप जैसे एक नंबर पेज में ये लेसन प्लान बनाए हैं तो वो आपको एक नंबर पेज में लिखना पड़ता है, अगर आपका 10 नंबर पेज में लिखे हैं तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पेज नंबर सबमिट करना पड़ता है, तो पेज नंबर आप इस तरह से यहाँ लिख दीजिएगा। पेज नंबर को लिखने के बाद आप इसको इस तरह से सब में पेज नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको टॉपिक जो है आपका ये टॉपिक लिखना है, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ता है ये। तो देखिए इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। तो ये जितना भी है 20 तक लेसन प्लान है, 20 का आप इस तरह से बना लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका लेसन नंबर 1 से। तो लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर अभी
आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड रिलेटेड सारे अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते हैं, चाहे आप झारखंड से हो चाहे बंगाल से हो। तो देखिए, इसमें आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में लेसन प्लान और असाइनमेंट प्रैक्टिकम सारा कुछ वीडियो बना के अपलोड किया जाता है, जो कि फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप वहाँ से देख के अपना असाइनमेंट प्रैक्टिकम को सॉल्व किया हुआ लिख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और देखिए, आपके लिए हम इस तरह से मेहनत करके वीडियो बना के लाते हैं, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हमें मेहनत करने में और अच्छा लगेगा और हम आपके लिए इस तरह से मेहनत करके और भी वीडियो बना के लाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, यहाँ पे लेसन प्लान है आपका। लेसन प्लान क्या है? एक नंबर लेसन प्लान। तो यहाँ एक नंबर लेसन प्लान में क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना पड़ता है। तो जिस स्कूल में आप पढ़ने जाइएगा उसका नाम, तो देखिए यहाँ बसंत हाई स्कूल लिखा, तो ये आपको नहीं लिखना। आपका जो है स्कूल है वो कॉलेज द्वारा आपको बताया जाएगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास लिखना है, उसके बाद सेक्शन लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना, टाइम लिखना है और डेट लिखना है, किस डेट को आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये भी डेट आपको कॉलेज द्वारा दिया जाएगा, ये सब भी आपको नहीं लिखना। उसके बाद यहाँ पे टीचर का नाम, यानी कि जो आप है आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नाम होगा तो आप अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, हिस्ट्री का लेसन प्लान बना रहे हैं तो हिस्ट्री लिखना। टॉपिक क्या है आपका, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन 19वीं सेंचुरी, यानी कि इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है इंग्लिश एजुकेशन को लेके 19वीं सेंचुरी का, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब आपका सब टॉपिक में लिखा गया है, क्या 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 सब टॉपिक आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो सारा चीज़ लिखना है। और टुडे लेसन प्लान आप जो पढ़ाने जा रहे हैं टुडे का लेसन, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये लिखने के बाद आपका देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या है, आगे फिर आपका इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन स्किल। तो ये सारा चीज़ आपको देख के लिख लेना जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जनरल में लिखना चॉक डस्टर, यानी कि आप जब स्कूल में पढ़ाने जाइएगा तो आपको क्या क्या सारे चीज़ ज़रूरत पड़ेगा वो सारा चीज़ आपको जनरल में यहाँ पे लिखना है, वो सारा आपको यहाँ पे लिखना है। और स्पेसिफिक में भी लिखना है कि आपको जो जो ज़रूरत पड़ता है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में देखिए क्या लिखा हुआ, जैसे जैसे आपका लिखा हुआ उसी तरह से आप इसको देख के लिख सकते हैं और कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। हम धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप जैसे लिखा आप इसको देख देख के लिखते जाइए। अगर हम सारा कुछ एक्सप्लेन करके आपको बताते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा दिखाने के लिए आपको, इसीलिए हम सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको दिखाते जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, आप देख देख के लिखते जाइएगा, क्योंकि हम पढ़ पढ़ के बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए देखिए। उसके बाद आता है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में देखिए जो अनाउंसमेंट किया गया वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर और टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, यानी कि जब आप सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो टीचर आप हैं तो टीचर आप क्या क्या कैसे पढ़ा रहे हैं वो लिखना, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट एक्टिविटीज़ यानी कि स्टूडेंट उस टाइम में क्या कर रहे हैं वो सब चीज़ आपको लिखना है। ये आता है प्रेजेंटेशन के अंदर में, यहाँ आपको लिखना है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के अंदर में ये आता है, तो इस तरह से आपको लिख लेना इसको। उसके बाद देखिए ये और भी है प्रेजेंटेशन में आपका आगे, इस तरह से इसको लिख लेना है। देखिए इस प्रकार से लिखना सारा प्रेजेंटेशन, जैसे जैसे दिखा रहे हैं आपको उसी तरह से सेम लिखना है आपको, और लिख के कॉलेज में सबमिट करना है इस तरह से, देखिए। और उसके बाद आता है फिर आपका यहाँ पर ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड आपको बनाना पड़ता है एक, जिसमें आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में पढ़ाने के टाइम क्या क्या ब्लैक बोर्ड में आप एक्सप्लेन किए हैं वो सारा चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन आपको यहाँ पे जिस तरह दिखाया गया उस तरह से आप इवोल्यूशन को भी लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे इस इवोल्यूशन को लिखना है आपको। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे होमवर्क, यानी कि होमवर्क आप यहाँ पे स्टूडेंट को दीजिएगा कि आप जो पढ़ाए हैं उसमें से कुछ होमवर्क दे दीजिए स्टूडेंट को, जो वो घर से बना के लाएंगे। ये होमवर्क दे दिए, उसके बाद यहाँ पे आपका लेसन प्लान खत्म हो जाता है फर्स्ट। उसके बाद लेसन प्लान आता है टू, तो टू लेसन प्लान में देखिए इस तरह से आपको फिर से वही सारा चीज़ लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखना, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम, क्लास, सेक्शन, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, टाइम, डेट, उसके बाद टीचर का नाम, उसके बाद इधर आपको सब्जेक्ट लिखना है और स्पेशल टॉपिक लिखना है, यानी कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो ये टॉपिक आपको लिखना है। उसके बाद लिखना सब्जेक्ट, यानी कि कौन सा क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखना है। और टुडेज लेसन में आप लिख दीजिएगा कि क्या आप पढ़ाने जा रहे हैं टुडेज को। और यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह आपको नॉलेज बेस्ड लिखना है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लिखना है, एप्लीकेशन बेस्ड लिखना है, स्किल बेस्ड लिखना है, ये सारा चीज़ आपको लिखना पड़ता है लेसन प्लान बनाने के लिए। तो ये लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर जनरल और स्पेसिफिक उसी तरह से है आपका, जो चॉक डस्टर ब्लैक बोर्ड ये सब चाहिए आपको, इंडिकेशन स्टिक जो आपको पढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ता है वो सब चीज़ लिखना है। उसके बाद आता है आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जैसे लिखा उसी तरह से आपको प्रिपरेशन में लिख देना है।
फिर आपका आता है यहाँ पे अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट आप यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आता है आपका कंटेंट और टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ये सारा चीज़ आपको इस तरह से लिखना है। तो देखिए इस तरह से आप सारा कुछ लिख दीजिएगा जैसे जैसे दिखा रहे हैं आप आपको हम, तो इस तरह से आपको लिखना है। धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। और एक चीज़ देखिए फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको नहीं पता है, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट पर आप जाइएगा, वहाँ जाके देखिएगा। बीएड का कोई भी सेमेस्टर में आप है, चाहे फर्स्ट सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, सारा का प्रैक्टिकम का सॉल्व किया हुआ प्रैक्टिकम असाइनमेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाके आप सेमेस्टर थर्ड का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा या सेमेस्टर टू का, जो भी आपको सेमेस्टर में है वहाँ से प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट को देख के आप वहाँ से लिख सकते हैं। बहुत सारा प्रैक्टिकम अपलोड किया गया, असाइनमेंट अपलोड किया गया, जो भी सेमेस्टर में आप वहाँ से प्लेलिस्ट को चेक करके आप एक बार जरूर देख लें। आपका हेल्प के लिए वहाँ बहुत सारा वीडियो मिलेगा, आप उसको देख के लिख सकते हैं अगर आप अभी तक अपना प्रैक्टिकम असाइनमेंट नहीं बनाए तो एक बार जरूर से आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर लें। तो देखिए उसके बाद ये आगे आपका कंटेंट, टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, ये सारा चीज़ आपको लिख लेना है इस प्रकार से। देखिए ये सारा चीज़ लिखने के बाद आपको इस तरह से और भी है, देखिए टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में ये सब चीज़ लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड लिख लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आता है आपका इवेल्यूशन, इवेल्यूशन को लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका होमवर्क, लास्ट में आपको यहाँ पे होमवर्क देना है स्टूडेंट को कि क्या आप पढ़ाएं क्या नहीं, वो सारा होमवर्क में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका लेसन प्लान सेकंड, उसके बाद थर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन थर्ड आज आपको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, थर्ड स्टार्ट करेंगे आपका इसका नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप देखें इसका फर्स्ट पार्ट, ये लेसन प्लान का फर्स्ट पार्ट अभी आपको दिखाएं हम, पार्ट वन दिखा दिए। तो पार्ट टू में अभी आपको थ्री से शुरू करेंगे हम लेसन प्लान को। तो आप आज यहाँ यहीं तक रखने दीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो आपको बोरिंग लगने लगेगा, इसीलिए आप पार्ट वन ही देखिए। उसके बाद नेक्स्ट आएगा फिर पार्ट, यहाँ पे पार्ट टू में थर्ड से स्टार्ट करेंगे आपका लेसन प्लान, इसको आगे आपको दिखाएंगे। तो अभी आप पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए और लिख लीजिए, तब तक फिर सेकेंड पार्ट आ जाएगा आपका कुछ समय के बाद ही। तो देखिए आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए आज का ये पार्ट वन यहीं पे ख़त्म करते हैं लेसन प्लान का, अब सेकंड पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।